हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से। मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड, लगातार बारिश हो रही थी। पहले इतनी धूप थी कि मैंने अपने सारे पौधे इस तरफ रख रखे थे, क्योंकि मेरे पौधे बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्दी, तो मैं इनको बिल्कुल धूप से ख़राब करना नहीं चाहती थी। तो मैंने सारे पौधे यहाँ रख दिए। अब लगातार बारिश हो रही है, तो मैं कुछ अपने गार्डन में कुछ काम कर रही हूँ। 3 दिन के बाद बारिश थोड़ा रुकी है। ये मैंने हैंग कर रखा है मनी प्लांट, और ये फ्रेंड कम से कम 7 फीट के आसपास लंबा है बहुत, और ये हैंग किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने बहुत सारे मनी प्लांट को कटिंग से बहुत सारा बना रखा है, तो मैं इन सभी पौधों को देख रही थी, क्योंकि 3 दिन से कुछ इतना देखा नहीं था पौधों को, और हमें अपने पौधों के पास आने का मौका ही नहीं मिला, इतनी बारिश हो रही थी। और देखो कितना बड़ा है ये, और ये छोटे से पॉट में ही लगा रखा है, जो टोकरी सी होती है उसमें। तो फ्रेंड, ये मैंने यहाँ से सारे हटा दिए, क्योंकि इकट्ठे किए हुए यहाँ पे सीलन भी हो सकती है, तो सीलन भी सूख जाएगी, थोड़ी धूप भी निकल रही है, और पौधों को थोड़ा जो पानी ज़्यादा मिल गया है वो भी थोड़ा सही हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इन सब पौधों को दूर दूर करके रख दिया। मेरे पौधे ये मैंने सब कटिंग से ही तैयार किए हैं। फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे पौधे हो गए हैं। अब मुझे तो लगता है कि मैं पौधे बनाना बंद कर दूं, पर मन नहीं मानता है, फिर भी कटिंग लगा ही देती हूँ, क्योंकि पौधे जब हम कटिंग करते हैं तो उसको फेंकने से अच्छा है तो उसको ग्रो कर दें। बिना मन की करती हूँ, फिर भी कितने सारे पौधे हो गए मेरे पास। ये वेंडरिंग जो दूसरी वैरायटी की मेरे पास आपने देखी होगी पहले, वो दूसरी है। ये छोटी सी कटिंग लेके आए थे तो मैंने इसी कप में लगा दी। ये मैंने इस तरफ रखे हुए थे, तो ये छोटे छोटे पॉट में जो मैंने लगा रखे हैं, धूप की वजह से रख रखे थे इसके नीचे, तो थोड़ा ये भी सूख जाएंगे। इसमें मैंने, नाम याद नहीं आ रहा मैंने किसके पौधे ग्रो किए थे, शिमला मिर्च के, तो फ्रेंड 2-3 ही आए हैं, और इसमें मैंने एक छोटा सा कोलियस भी रख दिया था, ये मॉन्स्टेरा। ये डिफरेंट मिर्चा भी मेरे पास बहुत सारा हो गया है, टेरिस पे भी बहुत है, और इसको मैं टेरिस पे रखना भी नहीं चाहती फ्रेंड, नहीं तो ये गर्मी में ख़राब होने का डर रहा है, तो मैं इस तरफ ही रख देती हूँ। अब लगता है कि ये बहुत बड़े हो गए और इनके पॉट बहुत छोटे हैं, ये इस तरह से मैंने सबको दूर दूर करके रख दिया। थोड़ी इनको हवा भी लग जाएगी और जो उसमें ज़्यादा नमी होगी वो भी सूख जाएगी। ये मनी प्लांट सब मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, इनको हवा लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गल जाएंगे, क्योंकि 3 दिन लगातार बारिश है और गमलों में पानी भी भर गया है, तो फ्रेंड उसको भी ज़रूर निकाल दें। ये 5-6 दिन पहले ही मैंने लगाया है, और ये फ्रेंड मैंने इस पर हैंग कर रखा है। ये छत पे चढ़ने के लिए जीना है तो इसी पर रख दिया है ये मैंने, और हैंग भी कर दिए। तो फ्रेंड, अगर आपके पास ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे हम बारिश में नहीं निकल पाए और हमारे पौधे ऐसी जगह रखे हैं, तो फ्रेंड उनको ज़रूर अलग अलग करके रख दें, थोड़ी 2-4 घंटे के लिए, जिससे वो सूख जाए जगह और हमारे पौधे भी ख़राब ना हो। कई बार हमारे पौधों में पानी भरा रहता है तो उसकी जड़ें गल जाती हैं। मेरा अभी टेरिस पे 1000 मदर प्लांट का पानी की वजह से वो ख़राब हो गया एक, और ये मैंने सैंड में ग्रो कर रखे हैं, इसको भी मैंने इस तरफ रख दिया। नहीं, ये भी उस तरफ ही था मधुमालती के नीचे, तो इसमें पानी भर गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसमें इस तरफ कर दिया। अब ये निकल रहा है धीरे धीरे, और ये ड्रेसिना वगैरह इनको मैंने दूर दूर नहीं करके रखा, क्योंकि ये अभी मैंने यहाँ पे हुआ था काम तो हटाए थे, ये अभी मैंने हफ्ते भर पहले ही लगाए हैं। ये सब मैंने, ये बालकोनी के ही है फ्रेंड, मैंने पीछे का तो आपको दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि उस तरफ थोड़ा सा निकलने की जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने यहीं के पौधे अपने थोड़ा रखा है सही से करके।
ये मोम स्टिक मैंने झाड़ू से, फूल वाली जो झाड़ू होती है वो, और ये जूट वाली रस्सी बेकारी पड़ी थी तो मैंने इसके लिए स्टिक बना दी। और ये फ्रेंड जहाँ पे ये मैंने अभी पेड़ बनाया था दीवार के, मैंने नहीं, यानी कि मेरे घर पे जो आ रखी थी गुड़िया, उन्होंने बनाया है। और इसमें एक मैंने वो लगाया है, ये देखो ये कटिंग लगाई थी, ये भी ग्रो हो गई है। कुछ जो पिंक कलर का मैंने आपको दिखाया था उसी का ये वाइट है, सावनी कुछ नाम से है ये। और इन पोटों में से मैंने कोलियस खाली किया था, तो ये कोलियस के गमले हुए हैं ये वाइट वाले, और ये इस तरह से रखे हुए हैं। फ्रेंड ये भी अभी मैंने नहीं हटाया है क्योंकि पहले मैं बारी बारी से हटाऊंगी, पर मैं चेक कर रही हूँ किसी में पानी वगैरह तो नहीं है। अगर पानी वगैरह हो तो इसके ऊपर गिर गया। ये सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं, इसको भी मैंने सबको चेक कर लिया था सुबह वैसे वीडियो बनाने से पहले, इनमें पानी नहीं था। और ये थोड़ा उसके ऊपर भी रखे हैं, एक पत्थर रख के मैंने स्टैंड सा बना रखा है। ये इसकी पत्ती सूख गई है तो इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से कुछ काम नहीं किया तो पौधे भी कुछ ऐसे ही हो गए हैं, किसी की पत्तियाँ सूखी हुई हैं, लगी हुई हैं, बारिश में निकल नहीं पाए हम। तो फ्रेंड आप भी ऐसे काम ज़रूर कर लें, अपने पौधों को चेक कर लें, उनमें जो हॉल बनाते हैं हम उन्हें भी देख लें। अगर हॉल बनाने की जगह भूल गए हैं तो आप उसमें कोई रस्सी वगैरह लगा दें गमले में ऊपर से, उस पानी में डुबो के, तो पानी वहाँ से भी निकल जाएगा। परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है कि हम भूल गए तो पौधे को हम निकालें फिर इसमें हॉल बनाएं, ऐसा नहीं। एक आप रस्सी लगा दो उसमें, या किसी चीज़ की रस्सी कैसी भी हो, कपड़े की या कैसी भी, उसमें से निकाल के बाहर की तरफ कर दो तो पानी धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा। ये फ्रेंड देखो ये मैंने ये पानी में लगा रखा था तो इसे भी देख लेती हूँ, इसमें भी पत्ते गले से लगे हुए हैं, तो इसको भी मैं अभी, एक हाथ में मेरे फ़ोन है तो निकाल नहीं पाऊँगी, तो इसको भी मैं पत्तियाँ गली हुई हटा दूँगी। ये शिंगोनियम ये भी सब मैंने, और ये मनी प्लांट मैंने पानी में लगा रखा है, ये प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, हैंग कर रखा था दीवार पे तो मैं इसको भी देख रही थी, तो इसमें से ही मैंने पत्तियाँ वगैरह सब हटा दी। और इसमें भी मैंने कोलियस को ग्रो कर रखा है सैंड में, अब कोलियस भी मेरे पास बहुत सारा हो गया, एक गमले में मैंने आपको और भी दिखाया था। तो इन सभी पौधों को मैं देख रही हूँ कि कहीं कुछ इनमें पानी स्टोर तो नहीं हो गया। अब कुछ मैंने कटिंग भी लगाई थी फ्रेंड, वो कटिंग भी अच्छे से हो गई है, मैंने देखी है, आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये बरगद का मनी प्लांट है, इसी से मैंने बहुत सारे पौधे बना रखे। एक तो मैंने किसी फ्रेंड को दिया, उसके घर मैंने देखा तो फ्रेंड बहुत प्यारा हो गया है, बहुत मोटा उसका तना हो गया है, तो मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें भी मैंने एक डंडी को ग्रो किया है, वो भी देखो पत्ते निकलने लगे हैं। तो फ्रेंड मैंने अपने पानी वगैरह सब चेक कर लिया अपने इसमें। फ्रेंड अगर आपके यहाँ कुछ ऐसा है तो आप ज़रूर देखें, कुछ बारिश से फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी हो जाता है कई बारी, तो मैंने सभी को देख लिया। ये टिकोमा है, इसमें पानी रुका हुआ है क्योंकि इसमें मैंने कुछ हॉल नहीं बनाया था, ये पेप्सी की बोतल वगैरह लगा रखी है, तो इसको मैं यहाँ से ढक्कन खोल के मैं निकाल दूँगी। ये देखो आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा टेढ़ा कर दें। तो इस तरह से आप ज़रूर चेक करें। फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना मेरे चैनल पे। अगर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड आपको मैं और भी दिखा रही हूँ कि देखो ये भी मैंने कटिंग ग्रो कर रखी है। अब देखूँगी इसके ऊपर, मुझे कलर का तो नहीं पता, शायद वाइट में लेके आए थे तो ये वाइट वाली है। इसी में ये ड्रेसिना लगा हुआ है, ये फाइकस। ये तो सभी मेरे पौधे बहुत अच्छे हो गए। तो फ्रेंड ये है मेरे बालकनी में, कुछ पत्ते भी काटे थे मधुमालती के, बहुत सारे हो गए थे तो बारिश की वजह से इनके पत्तियाँ भी काट दी। बहुत लंबी लंबी टहनियाँ हो गई थी बारिश से, क्योंकि बारिश से हमारे पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है। थैंक यू।